कि जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो पूरी भ्रष्टाचार में घुसी हुई है, सर से पांव तक जेएमसी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसके जो अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर उनके केएएस आईएएस जो ऑफिसर्स हैं, उनको शायद लगता है कि जनता का, गरीब लोगों का पैसा लूटना उनका हक है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि यूथ कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी और जो भी काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चल रहे हैं वो गैर संवैधानिक चल रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चल रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ही साल पहले बस शेल्टर्स बनाने का काम एक कंपनी को दिया गया और जब टेंडरिंग हो रही थी उसमें ये क्लॉज था कि ये टेंडर उस कंपनी को मिलेगा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा ये सेम बस शेल्टर्स बनाने का, तो कम से कम दो प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होगा या फिर आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का तीन प्रोजेक्ट्स 50-50 लाख के जो होंगे उसका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जब सबने इसमें ये टेंडरिंग डाला, ये क्लॉज में कोई भी कंपनी, जम्मू की कंपनीज भी थी, बाहर की कंपनीज भी थी, कोई इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सभी कंपनीज बाहर हो गई। उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ये क्लॉज चेंज किया सीक्रेटली, एक कमरे में बंद रहकर, और एक कंपनी जिनका इनके साथ कोई संबंध था उनको बुलाया और बैक डोर से उनको एंट्री करवाई। उसके बाद एक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि उसमें एक क्लॉज था, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थी कि जितने भी बस शेल्टर बनेंगे पैसेंजर्स के लिए वहां पे पीने के लिए वाटर कूलर होगा, लाइटनिंग पंखों का इंतजाम होगा और अच्छा बैठने का इंतजाम होगा। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने ये क्लॉज हटा दी। अब जो नए क्लॉज है ये क्लॉज हटा दी है कि वाटर कूलर की जरूरत नहीं है। शायद इसके पीछे क्या कारण होगा कि वो चाहते हैं कंपनी ज्यादा पैसा ना खर्च करे क्योंकि पैसेंजर्स को, जम्मू के नागरिकों को पानी की जरूरत नहीं है, शायद वो ये समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये रूल्स जो तोड़े जा रहे हैं, ये गैर संवैधानिक काम जो हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? चोरी चोरी किसी को फायदा देने के पीछे गलत काम, इलीगल काम करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू ने किसी कंपनी को, ब्राइट नाम की एक कंपनी को फायदा दिया है जो गैर संवैधानिक है।